नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज झुंझुनू के लाल शहीद हवलदार सतपाल सिंह का पार्थिव उनके पैतृक गांव पहुंचा। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। हर कोई भारत माता के जयकारों के साथ उनके पार्थिव को उनके निवास स्थान ले जाया गया, जहां शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवाए गए। जब शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवाए जा रहे थे तो माहौल गमगीन था। हर किसी की आंखें भरी हुई थी। वहीं इनका पार्थिव शरीर आज सेना के विशेष वाहन से इनके पैतृक गांव लाया गया। पार्थिव तिरंगे में लिपट कर देख हर किसी की आंखें भर आई। वो भारत माता के जयकारों से आसमान को गुंजायमान किया। 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा सम्मान रैली निकाल शहीद के पार्थिव को उनके निवास स्थान ले जाया गया। तत्पश्चात सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद परिजनों को उनके अंतिम दर्शन करवाए गए। वहीं सड़क के दोनों ओर खड़े स्थानीय लोगों ने शहीद के पार्थिव पर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मां भारती के लाल के इस अदम्य साहस को नमन किया गया है। आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया गया। इनका पार्थिव शरीर आज दोपहर इनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में इनके पार्थिव को इनके परिजनों को अंतिम दर्शन करवाए गए हैं। जब अंतिम दर्शन करवाए जा रहे थे तो माहौल गमगीन था और हर किसी ने भारत माता के जयकारों से आसमान को गुंजायमान किया है। वहीं स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने शहीद के पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सेना की ओर से शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया गया है। माँ भारती के लाल के इस अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। दुखद तस्वीरें मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। झुंझुनू के लाल शहीद सतपाल सिंह जी की अंतिम विदाई की तस्वीरें मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गाँव पहुँचा था, जहाँ पूरे राज्य के सम्मान के साथ इनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया है। अपर समाचार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।